हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रस्तुत शर्मा और आपका स्वागत है टिंटिन फिल्म एडवेंचर्स के शो कवि कल्चर लाइव में। दोस्तों, इस शो में हम ऐसे कवियों को आपके सामने लेके आते हैं जिन्होंने अपनी कविताओं से देश विदेश में अपना नाम किया। दोस्तों, आज जो हमारे साथ कवि हैं वो हमें अपनी कविताओं और गीतों से किसी ना किसी तरीके से इंस्पायर करते हैं और हमें ये समझाते हैं कि लाइफ का नेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो आइए स्वागत करते हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आए हमारे आज के कवि राजेश शर्मा जी का। एक गीत प्रस्तुत है, ये एक नदी का गीत है, नदी प्रतीक है, वैसे ये जीवन का गीत भी है लेकिन नदी प्रतीक के माध्यम से है। नदी पहाड़ों से, पर्वतों से, हिमालय से निकलती है और सागर तक जाती है, इसी तरह से जीवन यात्रा है, उसी यात्रा का एक गीत है, सुनिएगा। फिर लहर तट छू गई, इस बार नदिया क्या करे। फिर लहर तट छू गई, इस बार नदिया क्या करे। सामने थी प्यास की मनुहार, नदिया क्या करे। फिर लहर तट छू गई, इस बार नदिया क्या करे। अब देखें, नदी हिमालय से निकलती है, देखिएगा। चल हिम शिखर के बाद छूटी, हिम नदी जैसी सहेली। हिम शिखर के बाद छूटी, हिम नदी जैसी सहेली। देवदारों में उछलती, कूदती फिरती अकेली। एक हिरनी ले गई आकार, नदिया क्या करे। सामने थी प्यास की मनुहार, नदिया क्या करे। और नदी और आगे बढ़ती है। उलझनों ने ही सिखाया, खीज कर राहें बदलना। उलझनों ने ही सिखाया, खीज कर राहें बदलना। था कठिन कलुषित वनों के बीच से बच कर निकलना। था कठिन कलुषित वनों के बीच से बच कर निकलना। पाहनों ने रोक ली थी धार, नदिया क्या करे। सामने थी प्यास की मनुहार, नदिया क्या करे। और एक नदी की विडंबना देखिए। याद है वो पेड़ जिसने बाढ़ में तन मन छुआ। याद है वो पेड़ जिसने बाढ़ में तन मन छुआ। तब लगा ऐसा दहकती आग ने मधुबन छुआ। तब लगा ऐसा दहकती आग ने मधुबन छुआ। स्वप्न तो होते नहीं साकार, नदिया क्या करे। सामने थी प्यास की मनुहार, नदिया क्या करे। और नदी की अंतिम परिणति देखिए और गीत का उपसंहार छंद देखें, अंतिम छंद। नदिया क्या करे, बांध ने बंदी बनाया, कस लिया तटबंध ने। बांध ने बंदी बनाया, कस लिया तटबंध ने।
शीश से तल में उतारा सिंधु की सौगंध ने, शीश से तल में उतारा सिंधु की सौगंध ने, रसप्रिया को रेत का आधार नदिया क्या करे, सामने थी प्यास की मनुहार नदिया क्या करे, फिर लहर तट छू गई इस बार नदिया क्या करे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कविता है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर है।